इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव दिग्विजय सिंह ने गोवा में राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी में शासन का मिजाज नहीं है और उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिग्विजय सिंह का यह बयान तब आया है जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए कई नेता राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह का ताजा बयान कांग्रेस के लिए वजीहत बन सकता है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, ऐसे में क्या कहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने पहली बार कुछ इस तरह की बात कही है। जब चुनाव होने वाले थे लोकसभा के, तब भी दिग्विजय सिंह ने ही मुखर तौर पर कहा था कि पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट ना करे कांग्रेस राहुल गांधी को, और अब इस तरह का बयान। देखिए, दिग्विजय की बात तब भी मानी गई थी, और जहां तक इस बयान की बात है, दिग्विजय सिंह ने 16 मई के बाद ही ये बयान दिया था हारने के बाद कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता बनना चाहिए। लगातार वो ये बात कहते रहे, लेकिन आखिर में कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष का नेता कांग्रेस का होगा या नहीं होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। आंकड़ा कांग्रेस के पास पूरी तरह से नहीं है, ऐसा कई जानकार मानते हैं। जहां तक राहुल गांधी के मिजाज की बात दिग्विजय सिंह ने की है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई नेता राहुल गांधी के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं कि उनको सिर्फ अन्याय के खिलाफ बात करने की बातें करने की बजाय शासन करने की बात करनी चाहिए। उनको कई बार कैबिनेट मंत्री बनने को कहा गया, उनको प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी की बात की गई और उससे वो भागते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। ये संदेश दिग्विजय सिंह ने एक बार दिया है। जी, शुक्रिया आपका विक्रांत, तमाम जानकारी के लिए।